नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप यूजीसी नेट दिसंबर 2018 की तैयारी कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि यूजीसी नेट दिसंबर 2018 के सेकंड पेपर जो आपका सब्जेक्ट से संबंधित है और उसका किस तरह से तैयारी किया जाए, तो इसका मैं एक बढ़िया सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आपको कैसे तैयारी करना है, चाहे वो फर्स्ट पेपर की बात हो चाहे सेकंड पेपर की बात हो। हम यहाँ पर MPPSC मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्ज़ाम हुआ था अभी 2018 में, हमने उसका क्वेश्चन पेपर यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है और इसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आप हिस्ट्री सब्जेक्ट के हैं तो MPPSC में भी हिस्ट्री सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसको आपको नोट्स के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि जो हिस्ट्री में MPPSC में पूछा गया है, उन प्रश्नों को आप एक नोट्सबुक बनाकर नोट बना लेंगे, तो इससे ये होगा कि आपका उससे संबंधित जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आज हम पेपर फर्स्ट का कंप्यूटर से रिलेटेड, ICT से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे। हम यहाँ पर MPPSC में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, यहाँ पर कुछ समझने की कोशिश कीजिए। मैंने पेपर फर्स्ट की तैयारी कैसे करना है इस बारे में भी बता रहा हूँ कि ICT से संबंधित प्रश्न आप किसी भी क्वेश्चन पेपर से उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने कि MPPSC से जो 2018 में प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था उसका 73वां नंबर क्वेश्चन देखें। यहाँ पर देखिए इसको कैसे तैयारी करना है। कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी, यानी कि लिंक्ड जानकारी, जो लिंक हमने जो देते हैं उस लिंक जानकारी के संग्रह को कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर यदि आप विचार करते हैं, यहाँ पर यदि आप विचार करेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा। ये वेब सर्वर है क्या, ये वेब सर्वर किसको कहते हैं, ये वेब सर्वर किसको कहते हैं पहले तो जानिए। वेब सर्वर यदि एक सॉफ्टवेयर है जो वेब पेज को कस्टमर तक पहुंचाता है, यानी कि HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा ये वेब पेज को कस्टमर तक पहुंचाने का कार्य करता है, जिसको हम लोग वेब सर्वर कहते हैं। आप मान लीजिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर तो है, लेकिन ये कंप्यूटर किसी अन्य कंप्यूटर के साथ में जुड़े तो उसके लिए एक वेब सर्वर की ज़रूरत पड़ेगा, यानी कि HTTP प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ेगा। इसमें जो है यहाँ पर जो हम जो बता रहे हैं HTTP, ये डॉक्यूमेंट को भी, पिक्चर को भी, फोटो को भी, वीडियो को भी वो पहुँचा सकता है कस्टमर तक, तो इसलिए ये वेब सर्वर कहते हैं। और ये जो लिंक्ड जानकारी है वो www, ये जो हमने तीन चीज़ें जो प्रयोग करते हैं, ये जो www के बाद में लिंक लिखा जाता है, www.google.com लिखेंगे तब जाकर वो गूगल का जो सर्च इंजन है वो खुलेगा या आगे का जो प्रोसीजर है वो आगे चलेगा, अन्यथा स्थिति में नहीं। ये वेब स्टोर क्या है, वेब स्टोर गूगल प्ले स्टोर का नाम सुने होंगे, ये वेब स्टोर है जो वेब एप्स को स्टोर किया जाता है। जितने भी वेब में ऐप हैं उनको ये स्टोर करने का कार्य करता है, जिसको हम लोग जो है वेब स्टोर के नाम से जानते हैं। वेब इन्फॉर्मेशन, वेबसाइट से संबंधित समस्त जानकारियाँ, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जितना भी आता है वो वेब इन्फॉर्मेशन कहलाता है। लेकिन किसी लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं, www के नाम से जानते हैं। अब 74 नंबर क्वेश्चन को देखें। वेबसाइट खोलने के बाद जब आप एक वेबसाइट खोलेंगे, वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहा जाता है, पहले पृष्ठ को, ये अलग अलग नाम है, होम पेज, ब्राउज़र पेज, सर्च पेज और बुकमार्क। यदि आपको इसको देखना चाहते हैं
तो हम आपको होम पेज भी दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि मान लीजिए आप होम पेज देखना चाहते हैं तो ये है होम पेज, ये जितने भी दिखाई दे रहा है ये होम पेज। जब हमने वेबसाइट चालू करते हैं, ये देखिए गूगल का ये होम पेज है, ये आपको यदि बड़ा करके देखें तो इस रूप में, इसको जब हम इंटरनेट चालू करेंगे तो ये गूगल का होम पेज है, ये होम पेज के नाम से जाना जाता है। यदि ब्राउसर पेज के बारे में जानना चाहते हैं तो ये देखिए ब्राउसर पेज है, ये ब्राउसर है। यहाँ पर देखिए ब्राउसर पेज टाइटल, यहाँ पर अपना का कोई टाइटल लिखेंगे तो वो तभी वो सर्च करेगा। यदि मान लीजिए सर्च पेज डालना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ये देखिए इस तरह से आपका जो है ये सर्च पेज है, जहाँ पर हमने जो सर्च किया जाता है। यदि आप बुक मार्क देखना चाहते हैं तो आपको यदि देखा होगा तो ये बुक मार्क एडेड, यदि विकिपीडिया में आप देखेंगे तो यहाँ पर नेम लिखना रहता है बुक मार्क में एडिट करने के लिए, और फोल्डर का नाम क्या है, और फिर उसके बाद में इसको डन करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं या इसको रिमूव करना चाहते हैं, ये जो एरिया है ये बुकड एडिट एरिया के नाम से जाना जाता है। साथियों, इसी को जो है ये होम पेज इसका सही आंसर होगा। अब तीसरा चीज़ें देखें, यहाँ पर देखिए कि 75 नंबर खाली स्थान खोज क्षमता, ईमेल, समाचार स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती है ये पोर्टल। ये हॉस्टल नहीं, हॉस्टल तो रहने के लिए जगह होता है। यहाँ पर आर्टिकल का मतलब होता है चीज होता है, या आर्टिकल का मतलब लेख होता है, आर्टिकल का मतलब संविधान का सेक्शन होता है, न्यूज़पेपर का मतलब आप सभी जानते हैं समाचार पत्र होता है, लेकिन ये ईमेल और समाचार स्टॉक खोज क्षमता जो है पोर्टल करता है, इसलिए इसका आंसर बी सही है। 76, यहाँ पर लिखित संक्षिप्त रूपों में कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है? अवांछित जंक ईमेल यानी कि स्पैम, इसका जो है ये क्रैम, ड्रैम, जैम कोई शब्द नहीं है कंप्यूटर में, इसका कंप्यूटर में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन स्पैम मैसेज आता है मेल में तो उसको जो है अलग अलग जो है जंक ईमेल के माध्यम से, क्योंकि ईमेल बोल रहा है तो जब भी आप जीमेल में या याहू में या किसी में भी आप सर्च करते हैं तो एक स्पैम होता है, यानी कि जो या तो अनरजिस्टर्ड हो या फिर उसमें कोई अवांछित जानकारी हो, या कह सकते हैं कि जिसमें निगेटिव थाट हो, आपके लिए हानिकारक हो, ऐसे चीज़ों को मान लीजिए जीमेल है आपके पास में, जीमेल जो गूगल का जो ईमेल के लिए पोर्टल है, वो पोर्टल क्या करेगा, स्पैम जितने भी मैसेज आपके में आएगा उसको किनारा कर देगा, तो इसको बोलते हैं जंक ईमेल कहते हैं। यहाँ पर 77, एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलाता है उसको वायरस कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, सर्च इंजन में तो हम सर्च करते हैं, चैट सॉफ्टवेयर में तो हम लोग जो है आपस में बातचीत करते हैं, ईमेल के माध्यम से संदेश प्राप्त करते हैं, लेकिन वायरस जो है कंप्यूटर से कंप्यूटर तक वो फैलता है। तो इस तरह से 77 जो है आपका आंसर जो बता रहे हैं वो सही है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है? वीडियो कैमरा में हम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, डिस्प्ले डिवाइस में भी कर सकते हैं, माइक्रोफोन में भी कर सकते हैं, लेकिन टेलीफोन में कभी नहीं होता। तो ये आपका जो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम जो है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बात करें, कॉन्फ्रेंसिंग मतलब ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकता है, वीडियो कैमरा है तो इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा, डिस्प्ले डिवाइस में होगा, माइक्रोफोन में भी वीडियो की सुविधा रहती है, लेकिन टेलीफोन में केवल वॉइस रहता है, न कि वीडियो रहता है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषता हैं? यहाँ पर बी जो है अपराधी कंप्यूटर दक्षता और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का शिकार अनभिज्ञता है, ये चीज़ें जो है आपको जो है समझना है। 79 जो है 80, खाली शब्द खालिस्तान का आशय है एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेध लगाकर घुसता है, उसको क्रैकर कहते हैं। इसको जो है क्रैकर कहते हैं, हैकर अलग चीज है, जालसाजी के उद्देश्य के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है तो इसको क्रैकर कहते हैं। हैकर मतलब उसको पूरा हैक कर लिया, पूरी जानकारी उठा लेगा वो। यहाँ पर स्टेकर का अलग अर्थ होता है, वाइट हैट का अलग अर्थ होता है, लेकिन क्रैकर का मतलब होता है कि आपके अनुमति के बिना कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है वो, और जालसाजी के उद्देश्यों के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है, मतलब आपकी वेबसाइट को नाम बदल देगा, तो इसको क्रैकर कहते हैं। यहाँ पर जो है देखिए 81 में,
जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इसे निम्नलिखित में से किस प्रकार से जाना जाता है? ये डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक ये कहा जाता है। ये ट्रोजन हॉर्स या वायरस या क्रैकिंग जो है ये आपको जो है धोखा देने वाले काम है। जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यात्रा के बाढ़ के कारण नकली जो है इसको कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं। यहाँ पर जो है इस तरह से आपको प्रश्न की तैयारी करना है और बेहतर तरीके से आप उस विषय की जानकारी रखें और सफलता हासिल करें, यही हमारी शुभकामना है। थैंक यू।